रात का अंधेरा था। अच्छा जी। उसके पैरों में स्टीम तो है खेत में। एक डेढ़ बजे तो आपने देखा था उस जानवर को? नहीं। कोई ऐसी बात है तो हम दिन रात गश्त भी करेंगे, पिंजरा भी लगाएंगे, टीम भी छोड़ेंगे। ये जो इसका जो साइज जो है, बड़ा साइज है, इस तरह का साइज आमतौर पर अपने अगर देखें तो इस तरह का कोई जानवर नहीं होता। सर अंधेरे में किसी ने जानवर को भागते हुए देखा है, जैसे सड़क क्रॉस करते हुए? ये थोड़ा डाउट है लक्कड़ बग्गे पे, वो भी हम क्लियर करेंगे, पर ये क्लियर है कि ये तेंदुए के नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं नील चौधरी। और आज मैं मौजूद हूं एलनाबाद के गांव मिठनपुरा के पास ढाणियों के अंदर, जहां पर पिछले दो दिन से एक अज्ञात जानवर के अटैक ने, आतंक ने बहुत ज़्यादा डराया हुआ है लोगों को। और मैं जिस ढाणी में मौजूद हूँ, उस ढाणी के अंदर आप पीछे पशुओं को देख सकते हैं कि किस तरह से उस अज्ञात जानवर ने, जिसे जो गांव वाले हैं या आसपास वाले हैं, उसके पंजे के जो निशान जिन्होंने देखे हैं, वो उसे तेंदुआ बता रहे हैं या कोई और अन्य जानवर भी हो सकता है वो। तो उन तस्वीरों के माध्यम से मैं अभी दिखाना चाहता हूँ किस तरह से जो जानवरों पे है जो है अटैक किया गया है। बहुत बड़े बड़े जो घाव हैं, इन घाव को देखकर लग रहा है कि एक सामान्य कोई जानवर नहीं हो सकता, कोई कुत्ता या इस तरह का जानवर नहीं हो सकता, ये हमें ग्रामीणों ने बताया। तो हम जानते हैं जिनके खेत में है, जिनके जानवरों पे, पशुओं पे हमला हुआ है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कब से ये जो है अटैक यहाँ पर होना शुरू है। हाँ जी, क्या नाम आपका? बंसीलाल जी। बंसीलाल जी, कब से जो है ये आपके, आपने ये घटना जो है देखी है यहाँ पर? काल रात हुई जी। ठीक है, तो पशुओं पे हमला कब किया था? एक डेढ़ बजे। एक डेढ़ बजे तो आपने देखा था उस जानवर को? नहीं जी। देखा नहीं है? नहीं जी। तो ये हमला जो देखकर क्या लग रहा है आपको? ये कोई जंगली जानवर ही है जी। जंगली जानवर है। तो रात को मैंने सुना यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, इस जानवर को कहीं ना कहीं देखा गया था? मास्टर जी खेत में देखी थी। अच्छा अच्छा, मास्टर जी हैं यहाँ पे? हाँ जी, ये रहे। हाँ जी, क्या आपने देखा था उसको, जानवर? नहीं, मैंने नहीं देखा, रात का अंधेरा था। अच्छा जी। उसके पैरों का स्टीन तो है खेत में। वो देखे सुबह। पैरों के निशान की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को बता दूं कि वो पैरों के निशान इतने बड़े हैं कि ये कोई नॉर्मल जानवर जो है, कुत्ते हैं और है, उनके पैरों के निशान ये नहीं हो सकते हैं। तो और भी ग्रामीणों से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का माहौल है पिछले दो दिन से, जिस तरह से जो है ये घटनाएं यहाँ पर हो रही है। ये रात करीब 8:30-9 बजे से इकट्ठे हुए थे, भी रात के अंधेरे में किसी ने जानवर को भागते हुए देखा है, जैसे सड़क क्रॉस करते हुए, और उसके बाद में कई जगह पांवों के निशान देखे गए हैं है। जो कि काफी बड़े बड़े हैं, जैसे कोई जंगली जानवर तेंदुआ या वैसे चीता वगैरह किसी के हो सकते हैं। और हम जंगली विभाग से भी रिक्वेस्ट करते हैं भी इसकी छानबीन की जाए। तो किसी को जो है वन्य विभाग को इस चीज की सूचना दी गई है यहाँ पर? इस बारे में हमें तो नहीं पता जी, शायद किसी ने दी हो। अभी तक जो है वन्य विभाग के पास सूचना नहीं दी गई है, और जैसे हम लोग सूचना देते हैं वन्य विभाग की टीम क्या कहती है वो भी हम लोग जानने की कोशिश जो है ज़रूर करेंगे। तो तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों को देखें कि किस तरह से जो है बड़े बड़े जो पांव जो है खेत के अंदर, जो निशान जो हम लोगों ने आप लोगों को दिखाए, उनको देखकर पूरे ग्रामीण जो है भयभीत है। और ये इतना बड़ा अटैक है कि एक बच्ची की मौत तक हो गई है, और ये पूरे परिवार जो ढाणियों के अंदर रहते हैं वो आतंकित है, वो देखकर ये भयभीत है कि इस तरह का अगर जानवर यहाँ पर आ गया है तो वो किस तरह से, मतलब वो है, बचा पाएंगे, अपने पशुओं को बचा पाएंगे या कोई मानव हानि जो है यहाँ पर ना हो जाए। तो ये तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं, और अन्य ग्रामीणों से भी बात करेंगे हम लोग, और जो वन्य विभाग की टीम भी आती है उससे हम लोग आप लोगों की बात जो है करवाएंगे। आपको बता दें कि जिस जगह में, जिस ढाणी के अंदर मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर दो पालतू कुत्ते भी हैं। तो जैसे ही उस जानवर को उन पालतू कुत्तों ने देखा, वो पिछले दो दिन से वो ही गायब हो गए, और जब आज वो यहाँ पर आए हैं तो वो जब पहले कोई आता था ढाणी के अंदर तो वो किसी के आने पर भौंकते ज़रूर थे, लेकिन जब से वो यहाँ पर दोबारा आए हैं उस जानवर को देखने के बाद में उन्होंने भौंकना ही बंद कर दिया है। तो ये हमें जो है ढाणी के जो मालिक है उन्होंने ये बात हमें बताई है। तो मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पर जो पंजे बने हुए हैं, एक बार मैं थोड़ा सा कैमरा पास लेकर आने के लिए कहूँगा कि किस तरह से जो है पंजे जो हैं, बड़े बड़े पंजे जो हैं, इनका आकार जो है बहुत बड़ा जो है दिखाई दे रहा है।
तो आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से ये पंजे दिखाई दे रहे होंगे। और तो मैं ग्रामीणों से बात की है और मेरे साथ कुलदीप मुंदलिया, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की चर्चाएं यहाँ पर गांव में सुनने के आ रही है और जिस तरह से इन जानवरों पर अटैक हुआ, जितने बड़े घाव हैं और जिस तरह से अगर उस भैंस की बात करें, जितनी वो घबरा कर उसके सारे सींग भी टूटे हुए हैं और एक बच्ची की मौत भी हो चुकी है, तो इन सभी घटनाओं पर आपको गाँव में क्या सुनने को मिल रहा है? देखो डूडी साहब, सबसे पहले इस समाचार की टीम यहाँ पहुँची है ग्रामीणों की, क्योंकि किसान जमींदार होता है उसके लिए पशुपालन इस एरिया में सबसे बड़ा जो काम अपने आप व्यवसाय है वो है। और पशुपालन जब घर में एक भैंस होती है या गाय होती है, अगर उस पर हमला करके उस गाय या भैंस की मौत हो जाए तो उस घर के लिए 1,00,000 रुपये से कम का मतलब ही नहीं खर्चे का, मतलब 1,00,000 रुपये का सीधा नुकसान उस घर में आ जाता है। तो इस जानवर की हम बात करें तो परसों रात के लगभग 3 बजे की बात है, तो उस समय यहाँ 4-5 पशु इकट्ठे बांधे हुए थे, तो भैंस पर भी शायद जो उसकी कंडीशन देख रहे हैं, सिर के ऊपर जो उसके सींग टूटे हुए हैं और बच्चे के आगे यहाँ गर्दन जो आगे वाले वहाँ पर हमला हुआ है, तो उस हिसाब से एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था भी तेंदुआ जो होता है वो अपने शिकार करने के लिए कोई भी पशु या जानवर होते हैं उसके गले के ऊपर ही कंठ यहाँ से मरोड़ता है और उसके बाद उसका शिकार करता है। तो उसके हिसाब से मैंने अंदाज़ा लगाया वो बच्ची, अब बच्ची तो उसकी डेड हो चुकी है और भैंस का थोड़ा सींग टूटा था तो उसका इलाज संभव हो गया है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो जैसे रात को 3 बजे घटना घटी परसों, कल शाम को शाम लगभग 8:15 बजे गांव से कोई साथी आ रहा था इन्हीं के परिवार का, उसने उस जानवर को भागते हुए देखा स्पीड में, मतलब वो पहचान नहीं पाया कि वास्तव में क्या है ये, लेकिन एक अलग जानवर उसको दिखाई दिया, अलग तरह का। फिर हमने वहां पर उसके पड़ताल की पंजों की, तो हमें पंजे क्योंकि सड़क के आसपास पक्की जगह थी नहीं मिले। फिर दोबारा रात को 10:30 बजे मेरे पास कॉलिंग आती है, इस साइड में जो एक रोड चलाता है ग्वालिया जो, उसका फोन आता है और वहाँ लगभग पुनियों की डाणी है, वेजी पुनिया इनकी, वहाँ पर जाते हैं हम। तो उस बंदे ने क्या है कि जब डाणी से जो नरमा है ना, उस नरमे से निकल कर वो भागा है जानवर और उधर से उसका आना होता है, तो उसने सिर्फ 2-4 सेकंड के लिए उसको देखा है। तो हमने उसकी पड़ताल की भी आपको किस प्रकार का नजर है, उसने हमें बताया आंखों देखे हाल कि लगभग जो भूरे कलर में होता है उस प्रकार का डिब्बे होते हैं जिस ऊपर तेंदुए के ऊपर जैसे होते हैं उसके आकार का है और रोई बिल्ले से बड़ा है। तो मतलब आप छोटा तेंदुआ कह सकते हैं अपने झुंड से अलग होकर या कोई और अन्य जानवर आप पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं भी तेंदुआ है। तो रात के लगभग 4 बजे तक पूरे आसपास रानी सेरा मिठन पराक्रम सुना यहाँ के मेरे पास सुबह 5 बजे तक फोन आ रहे, अभी भी फोन आ रहे थे। अभी मैंने सुबह मैंने वाक की जो टीम है सिरसा है उन डिपार्टमेंट को फोन किया था, उनकी टीम अभी लगभग गांव में पहुंचने वाली है, लोकेशन मैंने भेज रखी है, वो आएंगी। इनके पंजे का मैंने फोटो भेजा था तो वो सर्च ऑपरेशन अपना जो टेक्निकली होता है सिस्टम उसके हिसाब से कर रहे हैं अभी वास्तव में पंजा किस जानवर का है। तो आप जैसे ये पंजा देख रहे हो, ये जो इसका जो साइज जो है बड़ा साइज है, इस तरह का साइज आमतौर पर अपने अगर देखें तो इस तरह का कोई जानवर नहीं होता सर, जानवर नहीं होता। नंबर दो बात, ये जो पंजा है ये तो है एक एक्स्ट्रा जानवर का ही, और जब तेंदुआ हमने मैं कल उसके खबर सुनने के बाद में यूट्यूब पर भी इसको सर्च किया था, तो यूट्यूब पर मैंने पूरी आधी घंटा कहानी देखी तो मेरे को पता लगा अभी तेंदुआ के सामने कुत्ते बिल्ले कुछ भी नहीं टिक पाते हैं। सब तरह से इन्होंने बताया कि हमारी डाणी में दो जैसे कुत्ते यहाँ पर रखे हुए थे पालतू कुत्ते, और दो दिन से वो गायब थे और जब आए तो भी वो किसी के ऊपर भौंक नहीं रहे हैं, मतलब सदमे में वो बिल्कुल ठीक बात है, वो भी सदमे में है, गांव के लोग भी सदमे में है, पशु भी सदमे में है। जिस पशु पर हमला हुआ उसके आस पड़ोस के पशु है, हमने तो रात गौशाला में भी लगभग देर रात तक उसकी रखवाली की थी ताकि कुछ गौशाला के पशुओं को नुकसान ना हो जाए, गांव में चारों लॉसमेंट हो रही है। अब इसकी पुष्टि का कारण ये है कि वो टीम वाले आएंगे, वो इसकी पुष्टि करेंगे, उसके बाद ही आगे के लिए कुछ कहा जा सकता है। मैं तो लोगों से निवेदन करूँ आपके माध्यम से कि आपको जहाँ भी दिखाई दे तो प्लीज, जहाँ वीडियो बनानी होती है वहाँ लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, कल का वो घूम रहा है लोग देख रहे हैं, और अगर एक्सीडेंट हो जाए कोई चोरी हो जाए उसकी वीडियो पहले बनाएंगे। अगर इस प्रकार एक्स्ट्रा जानवर तो उन विभाग के जो लोग हैं ना उनको भी सरल हो जाता है, जानवर कौन सा है, तो जहाँ बनाने वाली चीज है वो नहीं बना रहे हैं और नए बनाने वाले बनाते हैं। जो अब हम लोग इस जानवर की बात कर रहे हैं और जहाँ जिस जगह आप बैठे हैं, मेरे को ऐसे महसूस हो रहा है कहीं पीछे से आना चाहे, मतलब इस तरह का कोई अटैक ना हो जाए, मेरे को महसूस हो रहा है, मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा हूँ। देखो सर, तेंदुए का जब नाम लेते हैं ना, तो ये मैंने जो रात बता रहा हूँ आपको, मैंने देखा था वो सुनने में वीडियो में आ रहा था कि अपने से 3 गुना ज्यादा वजन लेकर के वो खड़े पेड़ पर भाग कर चढ़ जाता है। तो उससे खतरनाक फुर्तीला कोई जानवर उतनी लंबी तेज छाल जो है वो शिकार कोई कर नहीं सकता। तो हम तो लोगों से निवेदन करेंगे कि आप सचेत रहें, कोई भी पशु तो अभी यहाँ पर बहुत ही पैर जो है फिसलने वाली जगह है। और आप लोगों को तस्वीरें मैं खेत से डाणियों से मिठनपुरा की डाणियों से दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग यह क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि यह तेंदुआ ही यहाँ पर हो सकता है, लेकिन फिर भी जो पैर के निशान है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पैरों के निशान से हमें ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर वह जानवर नहीं हो सकता जो अमूमन अपने गाँव में देखा जाता है। और एक पैर और भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा सारा पैर देखिए यहाँ पर, एक
एक और बड़ा सारा पैर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल जानवर नहीं है। बाकी जो है अभी वन्य विभाग की जो टीम आएगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो टीम आएगी, उनसे हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि क्या इस तरह का जो है जानवर जो है हो सकता है। तो आप तस्वीरें देखते रहे ई समाचार पे, हमारे साथ बने रहिए और भी हम लोग तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे। मैं वाइल्ड लाइफ गार्ड रिशपाल सिंह सिरसा और मैं यहाँ अपना ग्राम कौन सा मिठू मिठनपुरा में आया हूँ। जो पग मार्ग मैंने देखे वो तेंदुए के नहीं है जी। हाँ, ये थोड़ा डाउट है लक्कड़ बग्गे पे, वो भी हम क्लियर करेंगे, पर ये क्लियर है कि ये तेंदुए के नहीं है। नहीं, जितना बड़ा घाव आप देख रहे हैं गाय के किया है, तो क्या इतना बड़ा घाव एक सामान्य कुत्ता नहीं जी, खूंखार जैसे कुत्ता हल्क, जैसे बोलते हैं कुत्ता हल्क गया तो खूंखार हो गया, वो अटैक कर सकता है। पर जब तेंदुआ अटैक करता है तो अपने शिकार को छोड़ता भी नहीं और गले पे अटैक करता है। ये हम कह सकते हैं कि ये तेंदुए का नहीं है। तो बाकी गांव वालों की जो यहाँ पे हैं, इनकी संतुष्टि करा के जाएंगे। बाकी लैब में भी हमने ये पग मार्ग भेज दिए हैं, वहाँ से भी संतुष्टि करेंगे। पर हमारे इंस्पेक्टर ने जांच कर ली है जी, ये तेंदुए के नहीं है। अच्छा, जो पग आपने देखे हैं तो वो किसके पाँव लग रहे हैं? वो मेरे को अपना डॉग के हैं जी, क्लियर है। हाँ, कुत्ते के पग मार्ग हैं। बाकी मैं और भी जांच कर रहा हूँ, जो जिस तरफ ये बोल रहे हैं उस तरफ भी मैं देखूंगा। बाकी इनकी पूरी संतुष्टि करवा के जाएंगे जी। डर का माहौल जो है वो गांव में ढाणियों में आसपास बना हुआ है। लोगों को क्या कहना चाहोगे? लोगों को ये, हम यहाँ पे हैं, हमारी टीम भी है, तो हम इनको जो भी पास पास में है, खेत वाले हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको हम बिल्कुल संतुष्ट करके जाएंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो डर का माहौल इनके अंदर बना हुआ है, इनको संतुष्ट करके जाएंगे जी। नहीं, ये लगातार, अगर मान लो अगर कोई ऐसी बात है तो हम दिन रात गश्त भी करेंगे, पिंजरा भी लगाएंगे, टीम भी छोड़ेंगे। हमारी तरफ से इनको पूरा संजोग रहेगा जी। तो ऐसी डर और माहौल ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बाकी इनको बिल्कुल संतुष्ट करके जाएंगे। जैसे गांव वालों है, ये ढाणी में है। चलो, जैसे आप बता रहे हो कि कुत्ता भी है, हल्का हुआ है, तो कोई भी अगर वो जानवर है उससे डर का माहौल है? हाँ, डर का माहौल है। आपकी टीम यहाँ पर पहुँच जाएगी? जैसे टीम तो लगभग पहुँच ही गई। जैसे जैसे अगर ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम फतेहाबाद से बुलाएंगे, हिसार से बुलाएंगे। हमारी रेस्क्यू टीम मेन हिसार के अंदर है, तो फिर हम हमारी रेस्क्यू टीम हिसार से आएगी। तो बिल्कुल, अटैक को आज लगभग दूसरा दिन है, तो इसके आगे आपकी टीम की क्या प्रोसेस रहेगा जी? मेरे पास आज सुबह ही कॉल आई है, लगभग 9:45 बजे, तो अभी टाइम हुआ है जी अपना 11 बजे। उससे पहले टाइम टीम को मैंने संचेत कर दिया, टीम वहां से चली, क्योंकि टीम अपने कंप्लेंट पे गई हुई थी, मैं भी कंप्लेंट पे गया हूँ, तो वहां से मैंने चला। उसी टाइम मैंने अपनी टीम को बोला कि वहां पे पहुंचो, और अभी फिलहाल हम मौका देखेंगे जी, मौके के अनुसार कार्रवाई करेंगे।